कहानी की शुरुआत में हम अंटार्कटिका महाद्वीप को देखते हैं, जहां बहुत सारे पेंगुइन्स एक लाइन बनाकर मस्ती करते हुए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे। वहीं तीन छोटे पेंगुइन्स स्कीपर कोवाल्स्की और रिको उस लाइन से निकलकर अपने बड़े पेंगुइन से पूछते हैं कि वो कहां जाने वाले हैं, तो उनमें से किसी को भी पता नहीं होता है कि वो लोग कहां जा रहे थे। वो तीनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी एक अंडा लुढ़कता हुआ उनके पास से गुजरता है, जिसे देखकर स्कीपर अपने बड़े पेंगुइन से कहता है कि हमें उसे बचाना चाहिए। तो वो पेंगुइन्स उसे कहते हैं कि हर साल कई अंडे इसी तरह खो जाते हैं और ये सब कुदरत की देन है, हम इसे बचा नहीं सकते। ये बात जब स्कीपर सुनता है तो वो उनसे कहता है कि मैं कुदरत को नहीं मानता, और ये कहते हुए वो अकेले ही उस अंडे को बचाने के लिए चला जाता है। वो उस अंडे को बचाते हुए बर्फ से नीचे गिरने ही वाला था कि तभी वहां पर कोवाल्स्की और रिको आ जाते हैं, जो उसे नीचे गिरने से बचा लेते हैं, लेकिन वो अंडे को बचा नहीं पाते, लेकिन वो अंडा नीचे गिरते हुए एक पुरानी शिप पर चला जाता है।